हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू गाइस डूइंग वेरी वेल। आई एम आल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनको गुज़िश्ता ईद मुबारक हो। ईद के दिनों में मैं कोई भी वीडियो नहीं लगा सकी, इनके व्लॉग नहीं बना सकी, क्योंकि आपको पता है छोटी ईद पे तो फिर भी टाइम होता है, बड़ी ईद पे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। ईदुल्अज़हा पे डेली बेसिस पे गोश्त वाली चीज़ें खाने के बाद बच्चे बहुत उकताहट फील करते हैं, तो उनका मूड हो रहा था कुछ पिज़्ज़ा वगैरह, कुछ फ्राइज़, ऐसी चीज़ें, स्नैक्स वगैरह खाने को। तो हमने फिर प्लान बनाया कि मेस में चलते हैं और वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ डिनर करते हैं, कुछ जो बच्चों को पसंद है वो अपनी पसंद का ऑर्डर करें और फिर हम ये है कि खाना खा के वापस आ जाएंगे। ये है कि थोड़ा डिफरेंट खाने से ये तबीयत ठीक हो जाती है। वैसे भी घर में जब हम जानवर करते हैं तो बच्चे स्पेशली कुर्बानी देखने के बाद बिल्कुल भी गोश्त खाने पे आमादा नहीं होते। बड़ी मुश्किल से एक दो दिन उन्हें खिलाया जाता है, वो कहते हैं स्मेल आ रही है, ये है वो है। छोटे बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्पेशली मेरा भी यही हाल है, दो दिन के बाद मुझसे बिल्कुल भी गोश्त नहीं खाया जाता। या तो हम कोई सब्ज़ी वगैरह बना लेते हैं या कोई दाल वगैरह बना लेते हैं। सो आज हमने प्रोग्राम बनाया कि मेस में चलते हैं और कोई पिज़्ज़ा शिज़ा ऑर्डर करते हैं। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम कहीं इधर उधर पार्क में भी नहीं जा सके, क्योंकि वहाँ फिर बैठने का कोई हाल नहीं होता। और मेस में एटलीस्ट ये होता है कि एसी लगा होता है, बहुत पुरसकून माहौल होता है और काफ़ी लोग फैमिलीज लेके आए हुए थे और बच्चे भी इजीली वहाँ बैठ के इंजॉय करते हैं और सुकून से जो भी चीज़ आपने ऑर्डर करनी है वो खाई पी जाती है। बाहर आप कहीं जाते हैं तो बहुत गर्मी की वजह से आपको उस तरह आप इंजॉय नहीं कर पाते, स्पेशली इन समर। पिज़्ज़ा हमारा आ चुका है और सब बच्चे और हम सब एक्साइटमेंट हो रही थी कि आज बड़े दिनों बाद ये हम जो पिज़्ज़ा था ना वो खा रहे, क्योंकि बड़ी ईद पे मुसलसल तीन चार दिन, क्योंकि गेस्ट भी आए होते हैं तो ऐसा तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता कि हम कोई दाल या सब्ज़ी वगैरह बना लें तो बारबेक्यू और इस टाइप की चीज़ें बनती रहीं, तो हम लोगों को बहुत उकताहट फील हो रही थी। पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोगों ने सेल्फियाँ बनाई एक दूसरे के साथ, तस्वीरें वगैरह बनाई और अमीन तो बहुत ज़्यादा खुश थी। एक्चुअली हमने लंच भी नहीं किया था और कुछ ज़्यादा खाने का मूड भी नहीं था। सुबह हमने बहुत हैवी नाश्ता किया था, आप आए थे और निहारी थी। नाश्ता भी हमारा ऑलमोस्ट 12 बजे के करीब था, जो कि अभी भी लग रहा था जैसे डाइजेस्ट नहीं हुआ। हमने पिज़्ज़ा के सिर्फ एक एक दो दो स्लाइस लिए और साथ मिन मार्गरिटा, इसीलिए हमने ऑर्डर किया था कि ये डाइजेस्ट हो जाता है जो कुछ खाया पिया हो। उसके बाद फिर हमने ऑर्डर की कॉफ़ी, कॉफ़ी के साथ हमने बनाना ब्रेड ऑर्डर की। इसको बनाना ब्रेड भी कहते हैं, बनाना केक भी कहते हैं, जैसे कि चिकन ब्रेड होता है। तो इसमें जो मीठे का फ्लेवर आ रहा था वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, बहुत लाइट सा था और बहुत टेस्टी था, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। बाहर निकल के भी हमने थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह बनाई और जैसे कि लड़कियों को बहुत शौक़ होता है कि हर जगह पे अपनी स्नैप्स वगैरह बना लेती हैं, तो बस ऐसे ही टाइम में इसका ख़त्म होने को था। 10:30 बजे तक टाइम था और 10:10 हो चुके थे, तो हमने सोचा कि नहीं अब हम निकलते हैं और हम लोग भी घर जाएँ, क्योंकि टाइम की पाबंदी और मेस के रूल्स को फॉलो करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। हम लोग नहीं फॉलो करेंगे तो कौन करेगा। एनीवेज़ हम लोग बस निकले, रामीन का जाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था और बाहर जब हम निकले तो हमने उसको कहा कि हम आपको बहुत खूबसूरत सा फाउंटेन दिखाते हैं। जब भी बच्चे यहाँ मेस में आते हैं तो वो बहुत इंजॉय करते हैं, स्पेशली जब डिनर पर आते हैं, क्योंकि डे टाइम में तो वो मज़ा नहीं जो रात में होता है। तो हम बाहर निकले और ये आप देखें जी, मैं आपको पूरा जो है ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं और यहीं से हम बाहर को निकलते हैं। और ये देखें जी, रामीन बड़ी तस्वीरें बनवा रही हैं अपने बाबा से।
वैसे तो आपको अक्सर चाहिए कि आप लंच या डिनर पे अपने बच्चों को लेके आए, उनको मैनर्स आते हैं कि हमने बाहर जाके कैसे खाना खाना है, कैसे बैठना है, शोर नहीं करना है। स्पेशली जब मैं मेस में लेके हम आते हैं तो हम छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ शोर ना हो, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी। तो ये एक बड़ा पुरसकून माहौल होता है। जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट देना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी और ईद पे कौन कौन सी डिशेस बनाई, क्योंकि हमने ईद पे नमकीन गोश्त बनाया, हमने ईद पे निहारी पाए बनाए और हमने बारबेक्यू बनाया, क्योंकि ईद के पहले और दूसरे दिन काफ़ी गेस्ट आ गए थे, तो जिसकी वजह से फिर आपको पता है जब ईद पे मेहमान आते हैं तो ये प्रोग्राम तो फिर चलते रहते हैं और मनपसंद डिशेज बनाई जाती हैं। यही रीज़न थी जिसकी वजह से आज हम निकले थे बाहर के कुछ थोड़ा डिफरेंट हो जाए, क्योंकि गोश्त खा के हम बहुत तंग आ चुके थे। तो अच्छा जी, मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आप लोगों की ईद कैसे गुजरी, और दुआओं में याद रखिएगा, जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। खुश रहा करें, खुश रखा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।